आपके साथ। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, गैंगरेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। मामला सामने आने के बाद हजारों लोग न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश भर में जनता के बीच आक्रोश है। कुछ समय पहले ही आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना समेत कई बॉलीवुड स्लैब्स ने इस मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, जिनमें प्रीति जिंटा, करीना कपूर समेत अब और कई लोग जुड़ चुके हैं। करीना कपूर ने बीते दिन सोशल मीडिया पर इस केस की तुलना 12 साल पहले हुए निर्भया मामले से की। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, 12 साल बाद भी वही कहानी और वही प्रोटेस्ट है, लेकिन हम अब भी बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति जिंटा ने भावुक होकर लिखा है, हमें इस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चुनाव में महिलाओं और पुरुष को मिलाकर 66% लोगों ने वोट दिया, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल महिला वोटर्स पुरुषों से ज्यादा होंगी। अब वक्त आ चुका है कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये देखना बेहद हार्ट ब्रेकिंग और दर्दनाक है कि रेप करने वाले आरोपी का चेहरा गिरफ्तारी के समय ढका रहता है, जबकि पीड़ित का चेहरा और नाम मीडिया में हर तरफ लीक किया जाता है। न्याय की रफ्तार कभी तेज नहीं होती, सजा कभी नहीं दी जाती, लोगों को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। प्रीति जिंटा ने आगे लिखा, कई महिलाएं अपनी गरिमा और जिंदगी खो देती हैं। लोगों को इससे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये आपके साथ ना हो। ये वक्त है कि सभी महिलाएं एक साथ खड़ी हो और महिला सुरक्षा को एक पॉलिटिकल इशू बनाए। इस समय सेक्सुअल वायलेंस के केस को बुरी तरह हैंडल करने वाले इंचार्ज का ट्रांसफर न हो, बल्कि उनकी नौकरियाँ छीनी जाए। एक महिला के रूप में मैं निर्भया और ममिता और हर उस लड़की से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनके साथ गलत हुआ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि पास्ट में मैं आपके लिए पूरी ताकत से नहीं लड़ सकी, लेकिन अब बहुत हुआ। कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक सब सुरक्षित नहीं है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।